अभी मुझे याद है कुछ साल पहले, आप सबको भी याद होगा मैं समझता हूँ, 6-7 साल 8 साल पहले हमारे वहाँ आर्ट गैलरी में एक उड़ीसा के भाई हैं, तो वो अनुभव सुना रहे थे कि वो घर गए थे कुछ दिनों के लिए उड़ीसा, भुवनेश्वर के पास कोई गांव है। उस समय उड़ीसा में इतना ज़बरदस्त तूफान और पानी, जो बारिश हुई थी, कहते हैं कि पूरा बहुत ज़बरदस्त माना बारिश थी, वहाँ कहते 300 किलोमीटर की रफ्तार से भी तूफान गुजरा और काफ़ी नुकसान हुआ था। तो बताते हैं कि रात को 11 बजे हम बैठे हैं घर में, टीवी चल रही है और बता रहे हैं कि 300 किलोमीटर की रफ्तार से यहाँ से ये तूफान गुजरेगा। ऐसा ना हो, मैं एक उदाहरण बता रहा हूँ, मान लो हम बैठे हैं यहाँ पे, अचानक अनाउंस हो कि ये तूफान जो है यहाँ से 300 किलोमीटर रफ्तार से गुजरेगा, तो हम क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे, कहाँ कोई चीज़ छिपाएंगे? माना 300 किलोमीटर रफ्तार से, माना रेत से भरी ट्रक यहाँ से उड़ के जाएगी कितनों दूर जाके, है ना, ऐसा तूफान, तो कौन उस समय हमें बचाएगा? क्या हमारे परिवार, हमारा जन बल, हमारा धन बल, हमारा बैंक बैलेंस, SBI कौन बचाएगा? SBI भी नहीं रहेगी। हाँ, कहते हैं कि वो ऐसा पानी था और ऐसी चीज़ें थी, माना हम सोचें कि कौन सी चीज़ हमें बचाएगी समय पे। यही हमारा किया हुआ सत्संग, यही हमारा पुण्य, जो हमने सेवा की होगी, जितना समय हमने परमात्मा की याद में बिताया होगा, ये जो पुण्य का खाता, ये पुण्य का बल, दुआओं का बल, कितनों को हमने सुख दिया है, ये बल हमारी रक्षा करेगा और कुछ भी काम नहीं आएगा। हमारा पुण्य, हमारी की हुई सेवा हमारी रक्षा करेगी और कुछ भी हमारी रक्षा नहीं करने वाला है। समझ रहे ना सभी? जो दिल से हमने किया होगा ईश्वर के प्रति, जितना उसको प्यार से याद किया होगा, उस समय वही हमारी रक्षा करेगा। कहते हैं कि उस समय धनवान भी जो था वो पैकेट गिराए जाते थे तो वो भी दौड़ता था। माना जिसने 30 साल 40 साल में लाखों करोड़ों कमाए होंगे, उस समय वो भी पैकेट को पाने के लिए दौड़ रहा था उस एरिया में। अभी आपने पटना में देखा होगा, सुशील मोदी को ही 4 दिन में निकाला गया, उप मुख्यमंत्री को, है ना? 4 दिन वो अपने घर, वो कैद हो गया था बाढ़ के कारण। उस समय बाबा ने कहा बुद्धि काम करना बंद कर देगी, उस समय आप सोचोगे कुछ, तो ये समय है जब मेरा तन ठीक है, परिवार ठीक है, घर में सब कुछ ठीक है, तो मैं आके मैं बाबा का ज्ञान, बाबा की याद, ये कमाई मैं अभी कर सकता हूँ। जब चीज़ें शुरू हो जाएंगी, प्राकृतिक आपदाएं और सब हलचल शुरू हो जाएगी, उस समय हम सोचेंगे हम बाबा कर लेंगे, उस समय नहीं होगा। उस समय कुछ भी काम नहीं आएगा। हर आत्मा ने यहाँ जो प्रकृति से लिया है, प्रकृति उससे सब कुछ ले लेगी। न संबंध रहेंगे, न धन रहेगा, न कोई और चीज़ रहेगी। जो प्रकृति से लिया है, प्रकृति को रिटर्न करना पड़ेगा, है ना? 40 वो सांप सीढ़ी का खेल देखते ना, हाँ, एक से शुरू करते हैं, हाँ भाई 80 पहुंच गया, 90 पहुंच गया, बस 100 तक पहुंचने वाला हूँ, सांप से सीधा 0, 98-99 से सीधा। हर आत्मा को 0 पे आना पड़ेगा। तो ये समय है अभी
कमाई करने का, सच्ची कमाई करने का ये समय है ना। ये नहीं सोचना है कि कलयुग अभी लाखों वर्ष है ना, कुछ नए भाई भी हैं है ना। परमात्मा के ये महावाक्य हैं कि कलयुग का अंत समय है।